हेलो गाइस, जो पिछला लेक्चर था हम लोगों ने शेयर किया था आपसे, कोलकाता जोन की बात कर रहे थे हम, जो 2014 में 30 नवंबर को पेपर हुआ था उसके दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। और आज हम शेयर करने वाले हैं आपसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो टाइप एग्जाम में आपके पूछे गए थे। तो देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, और सी और ए उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, मतलब मिलकर कर रहे हैं। तो यह बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। अगर आप लोगों ने मेरा वर्किंग टाइम का लेक्चर देखा हुआ है तो इस पर मैंने सेम क्वेश्चन शेयर कर चुका है, आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका है, लेकिन आज के इस लेक्चर में भी हम इसे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी, हमें दिया क्या क्या गया है रेशो में, बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब बात करते हैं टाइम की और एफिशिएंसी की। यहाँ पर एफिशिएंसी क्या है, मैं पहले पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, आप वर्किंग टाइप के मेरे जो वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर हमें करना क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 10, 12 और 15। लेकिन आपको किसके लिए सॉल्व करना है इसे, ए के लिए। आपको किसके लिए निकालना है, ए के लिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। बस आपको यहाँ पर कंसंट्रेट क्या करना है, एफिशिएंसी पे। कुछ मत करो, 10, 12 और 15 का क्या ले लो, एलसीएम, जो कि कितना आएगा आपका 60। कैसे आया 15, सबसे बड़ी वैल्यू थी 15 का टेबल। देखो एलसीएम लेना हो सबसे बड़ी वैल्यू को ले लिया करो उसमें से, और उसका टेबल काउंट करो, अगर टेबल में बाकी वैल्यूज का भाग जा रहा है तो वही आपका हो जाता है क्या एलसीएम। देखते हैं 15 में 12 और 10 का भाग जा रहा था, नहीं, 15 दुनी 30, 15 टू 30, 30 में 12 का जा रहा है, नहीं, 10 का जा रहा है, लेकिन 12 का भी जाना चाहिए था। फिर 15 थ्री 45, 45 में 12 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, नहीं जा रहा। ठीक है, अब 15 फोर 60, 60 में 12 का जाता है, हाँ 12 फाइव 60 होता है, और 10 सिक्स 60 होता है, मतलब आपका एलसीएम क्या हो गया। और ये क्या है आपका चाय, आपको कितना ये क्या निकलता है, जो एलसीएम का मतलब क्या है यहाँ पर, टोटल वर्क। आपको टोटल वर्क कितना था, 60 चाय पीने का। अब अगर आप देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, पर डे का काम। ठीक है, अगर आप 10 दिन काम कर रहे हो, 60 चाय पीनी थी आपको, तो एक दिन में कितनी चाय पियोगे, 60/10 मतलब 6। यहां पर 12 दिन चाय पीते हो आप कितनी, 60, एक दिन में 5। इसी हिसाब से यहां पर 15 दिन में कितनी पी लोगे, 4। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करो, अब यहां पर भाई अगर मैं देखूं तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ए तो निकालना था, लेकिन मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि अगर मुझे ये पता चल जाए ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, बी और सी कितनी चाय पीते हैं, 5, ए बी सी कितनी पीते हैं वो देख लूंगा, और उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। तो ए अकेला कितनी पिएगा निकल के आ जाएगा, और फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते कैसे, अभी आप देखो 6, 5, 11, 11, 4, 15 चाय मिलकर पीते हैं, लेकिन कौन, अगर आप देखो तो ये कितना हो गया टोटल आपका 15। लेकिन यहां पर जब आप निकालोगे तो आपको काम कितना करना था, 15 चाय पी रहे, लेकिन 15 चाय कौन पी रहा था, 2 ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर आपका क्या आएगा, सॉरी फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यहां पर ए बी सी, लेकिन कैसे, डबल मिलकर कितनी चाय पी रहे हैं, 15, तो ए बी सी कितनी पियेंगे, 15/2, कितनी चाय पियेंगे एक दिन में, 15/2। और अगर ये 15/2 चाय पीते हैं एक दिन में, तो आप ये देखो यहां पर बी और सी कितनी पी रहे थे, 5, ए बी सी मिलकर कितनी पीते हैं, 15/2। एक ही अकेले की निकालनी है तो मैं कर सकता हूं ऐसा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, तो बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना था यहां पर, 15/2 माइनस, अगर आप देखो तो कितनी है यहाँ, 5। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना बचेगा, 5/2, मतलब ए अकेला कितनी चाय पीता है एक दिन में, 5/2। अगर वो ढाई चाय पी रहा है या 5/2 चाय पी रहा है, तो उसे कितना टाइम लगेगा 60 चाय पीने में, देखते हैं, 60, 5/2 है, 2 ऊपर गया 120 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, 24। तो इसका आंसर क्या हो गया, 24 दिन।
आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, 60/5/2 है। अगर ये 5/2 चाय पीता है एक दिन में, तो 60 चाय कितने दिन में पिएगा? 60/5/2 एफिशिएंसी से डिवाइड कर लोगे टोटल वर्क में, तो आपका निकल आएगा। अगर कहीं क्वेरी फेस हुई है तो आप अच्छे से देख सकते हो, और भी जो मैंने वर्क एंड टाइम पे किया वहाँ बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से समझ में और अच्छे से आ जाएगा। अगर कहीं क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 10%, 20% और 40% की उत्तरोत्तर छूट या एक छूट पर बट्टे पर आप एकल बट्टा ज्ञात करें, या हम इसे कहते हैं एकल छूट ज्ञात करें। मतलब देखो, समझने का है यहां पर, 10%, 20% और क्या दिया 40। देखो ऐसा लिखा रहता है ना, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि 10, 20 और 40 कितना 70, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये ऐसी छूट नहीं है, ये जब ऐसी छूट दी जाती ना कॉमा करके, जैसे उत्तरोत्तर छूट बोला गया है, या आपकी लगातार बट्टे पर एकल बट्टा, हमें अब बताना है कि टोटल डिस्काउंट मतलब जो आपको मिला है वो कितना मिला है, छूट का मतलब यही होता है। तो यहां पर कुछ मत करो, आपने सबसे पहले क्या मानोगे, आपका भाई जो भी था एमआरपी वो मान लो 100 था, अब 100 पे आपको कितने की छूट मिली, 10% की, तो यहां पर कितना आ गया। तो अब जो छूट मिलेगी आपको, ये 20% लिखा है, ये 100 पे ही नहीं है, ये अब किस पे मिलेगा आपको, 90 पे। तो 90 का 20% कितना, अच्छा 90 का 10% कितना होगा ये बताओ, 10 से भाग कर देते हैं कितना आएगा, 9, 9 का डबल 20% हो जाएगा 18, माइनस कर दो 18, कितना बचा 72 पे मिलेगा आपको कितना, 40%। एकल छूट ऐसे निकलती है, हमेशा याद रखना, ठीक है, जिसे कंसेक्यूटिव डिस्काउंट भी कहते हैं। अब यहां पर आप देखोगे आपका कितना दिया 72 का क्या निकालना है आपको, 40% कुछ मत करो, 10% कितना होता है, 10 का भाग कर देंगे 7.2, 10% उसमें 4 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 40%, क्योंकि 10% अगर मुझे पता है और उसमें अगर मैं 4 का गुणा करूं तो कितना आता है 40%, ठीक है। मैंने परसेंट की क्लासेस जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें बहुत डिटेल में समझाया है ये भी, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपने निकाला 10% कितना 7.2, 7.2 में जब गुणा करोगे किसका, 4 का। देखो कैसे करते हैं आसानी से गुणा, वो भी आप सिखा रहा हूँ, 7 का 4 में करोगे 28, फिर पॉइंट वाली वैल्यू का, पॉइंट अभी मत लगाओ, पॉइंट कितनी वैल्यू बात था 1, यहाँ पर सॉरी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक ही है बस, अभी 2 चौको 8, कितना है 8, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट रखनी थी, 1, 28.8, इसमें से इसे हम आसानी से माइनस कर देंगे और आपका बचेगा यहां पर 43.2। लेकिन ये क्या पड़ रहा है आपको, जो सेलिंग प्राइस होगा ना बेचने को, आप कितने पे बेचोगे, देखो छूट तो इतनी थी, फिर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका बाद में, इतने पे बेचा और जो खरीदेगा उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन जो छूट आई वो देखनी है आप कितने परसेंट है। तो यहाँ पर घटाने की भी जरूरत नहीं, जैसे ये 28.8 आया था ना, बस ये 18 और यहाँ पर कितनी थी आपकी स्टार्टिंग में 10, 18 ये है आपका असली परसेंट जो यहाँ पर निकल के आ रहा है। आपको जोड़ना ये नहीं है, आपको जोड़ना क्या, पहला तो 10 ही आएगा भाई, पहले 100 पे ही था, दूसरे में आपको कितना मिला 18 और तीसरे में 28.8, इन तीनों को जोड़ दो, 10 और 18 कितना हुआ 28, 28 और 28.8 कितना हुआ आपका, हुआ 56.8%, ये तो एसपी था डिस्काउंट, समझ में आ रहा है आपको। नहीं तो आप क्या करा करो, अगर ये जोड़ना भी नहीं है, लास्ट में कितना बचा 43.2, स्टार्टिंग में कितना था 100 में से 43.2 भी अगर आप माइनस कर दो बचेगा कितना, आपकी छूट बचेगी भाई 56.8%, ये है आपका आंसर, आपको कितनी एकल छूट मिली 56.8% की। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 200 एवं 600 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 4, 5 और 6 से विभाजित हैं, या 6 से विभाज्य है, मतलब कुछ नहीं बोला जा रहा है। देखिए हमको क्या निकालना है यहाँ, 200 से 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 4, 5 और 6 तीनों से विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले ले लो आप एलसीएम जो कि कितना आएगा 60। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि इनके बीच में कितनी संख्या है, तो कुछ मत करो, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 400। अब एलसीएम कितना आया था 60, 60 का किसमें भाग कर दो आप 400 में, 400 में जैसे ही आपने भाग करा
आपका कितना आया, 6 सही 2/3। तो आपका पूरा पूरा भाग कितनी बार गया, अगर देखो कितनी बार पूरे पूरे तरीके से भाग जा रहा है, 6 बार। आप ये जो 2/3 फ्रैक्शन है इसे नहीं लोगे, आपका पूरा पूरा भाग कितनी बार गया है वहां पर, 6 बार। तो आपका आंसर होगा 6, कि कितनी बार, कितनी संख्या है इनके बीच में, 6 संख्याएं हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट अवे पूछा है। 15,000 रुपए, ठीक है, आपको ये पता है 1 और 2 साल में बोला गया है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसमें ब्याज पे भी ब्याज मिले। तो पहले नंबर आपको क्या निकालना है, 8%। तो 1 साल के लिए 8% आसानी से निकाल सकते हो कि नहीं, देखो कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ। 15,000 है, 15,000 का 1% कितना होगा, 150। 15,000 का 1% कितना होगा, 150। 150 का आप 8 में गुणा कर दो। देखो 15 का टेबल आता है कि नहीं, 15 8 120, तो 150 अगर है, 10 ही बड़ा है, जब 15 का 8 में करते हो तो 120 आता है। यहां पर अगर आप देखो तो 1500 में अगर 100 का भाग करो तो 1% आ जाता है ना। 15,000 अपने आप में 100% है, इसमें 100 का डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 1%। 1% कितना है, 150। 150 में 8 का जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपका आसानी से सॉल्व होगा कि नहीं होगा देखते हैं। देखो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जब 15 का 8 में करते हो 120 आता है, तो अभी क्या सोचो, 15 का 8 में करो 120, यहाँ क्या बढ़ा था, 0, तो 10 और यहाँ पर बढ़ा दिया, तो कितना आ जाएगा, 1200। अब आपका 1200 यहाँ पर भी आएगा, 1200 यहाँ दूसरे साल में भी, मतलब मूलधन पे तो आपको दोनों साल मिला। चक्रवृद्धि ब्याज में एक चेंज ये आता है कि ब्याज पे भी आपको क्या मिलता है, ब्याज। तो 1200 का 8%, अब 1200 का 8% निकालना बहुत आसान है। 1200 का 1% कितना होगा, 100 का भाग कर दो 12, 12 का 8 में मल्टीप्लाई करो कितना था, 96। तो इसका भी क्या हो गया, जोड़ दो कितना आ गया, तो आपका आंसर कितना हो गया, 2496 रुपए। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 3:4 के अनुपात की कार्यक्षमता के हिसाब से कार्य करते हैं, उनके द्वारा कार्य को समाप्त करने के लिए लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया था, देखो जो टाइम का रेशियो होता है, एफिशिएंसी का रेशियो उसका जस्ट अपोजिट होता है। अभी आपको एफिशिएंसी का रेशियो दे के रखा है, क्या है, कार्यक्षमता का अनुपात, ए और बी का ही बोला है भाई, लिख लिया। तीन अनुपात चार, तो उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 कहां आ जाएगा, यहां, और 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। देखो जब भी अगर ऐसा दिया जाए ना, एफिशिएंसी का जो रेशियो है तो उसके कार्य का अनुपात क्या होगा, जस्ट अपोजिट कर दो, बहुत आसानी से निकल आएगा कि उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, देखिए अब फिर से कार्यक्षमता पर आधारित एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं हम, वर्किंग टाइम का ही है। ए किसी खास काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी की कार्य करने की क्षमता ए से 60% अधिक है। यदि बी को वह काम अकेला करने पड़े, यदि बी को वह काम अकेला करना पड़े तो वो कितने दिन में कर लेगा। तो बहुत आसान है यहाँ पर, आपको क्या बोला गया है, सिंपल है बहुत, देखिए कैसे कर लेंगे हम देखते हैं। यहाँ ए और बी फिर से मेंशन कर रहा हूं मैं, टाइम और एफिशिएंसी, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। आपको क्या बोला गया यहाँ पर, देखो एफिशिएंसी का रेशियो कैसे देखते हैं हम, ये आप ए की मान लो और ये बी की, ठीक है, E1 और E2 जैसे हमने मान के चला अभी, चलो बढ़िया। आपको क्या बोला गया है यहाँ पर, ए से कितना अधिक है, अगर ए अपने आप में है 100% होगी इसकी खुद के लिए, तो फिर बी की कितनी हो जाती है, इससे 60% अधिक, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या अनुपात बन गया, 5:8। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया यहाँ पर, और एफिशिएंसी कैसी निकलती, पर डे, मतलब, और हम कौन से सिस्टम पे काम करते, चाय पिलाने वाले, एक दिन में ए 5 चाय पीता है, देखो टोटल वर्क चाहिए कि नहीं चाहिए। यहां पर आपको क्या निकालना है, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो पहले तो हमें काम निकालना पड़ेगा, और आपको क्या दिया गया है यहां पर, एक दिन की एफिशिएंसी जो कि 5 है, और फिर आपको क्या दिया गया है, टाइम जो कि 12 है। अगर एक दिन में एक इंसान ए है जो 5 चाय पीता है, तो 12 दिन में कितनी पिएगा, 60 टी।
अब इस हिसाब से अगर हम देखें किसके लिए, बी के लिए, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 8 चाय पी लेता है, तो 60 चाय कितने दिन में पिएगा, हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो आपका क्या आ गया 7.5 दिन में, आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पर 7.5 दिन में। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एफिशिएंसी वाले बेस पे क्वेश्चन कैसे हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।